एक बात बताओ यार, क्या सच में प्लास्टिक डे बाय डे प्रॉब्लम बनता जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता। पहले पूरी बात सुनो, फिर कंक्लूजन पर पहुंचना। प्लास्टिक का यूज आज के टाइम में बहुत ज्यादा वाइडली हो रहा है। हमारी कार की बॉडी में प्लास्टिक यूज होती है और हमारे घरों में पता नहीं कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि मेरे घर में जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं, यदि मैं उनको हटा दूं और वहां पर सभी चीजें लोहे की या एल्यूमिनियम की लाकर रख दे, तो उन्हीं इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी? और यही सबसे पहला रीजन है कि प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे पास में इस प्लास्टिक को यूज होने के बाद में इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही हमारे पास में कोई ऐसा दूसरा सोर्स है जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि प्लास्टिक हमारी लाइफ में सबसे पहले कॉस्ट को रिड्यूस करती है। और आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिक के ट्रीटमेंट पर बात करने वाले हैं कि यूज्ड प्लास्टिक को किस तरीके से पेट्रोल या डीजल में बदला जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको हमारा नेचर खत्म नहीं कर सकता, इसको कम्प्लीटली डिग्रेड होने में हजारों साल लग जाते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि हमें यूज्ड प्लास्टिक का ट्रीटमेंट ढूंढ लेना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। यदि इसका बहुत जल्दी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो कुछ टाइम बाद में खाने में भी प्लास्टिक ही मिलेगी। आपको पता है प्लास्टिक बनता कैसे है? प्लास्टिक एक क्रूड ऑयल का ही बचा हुआ मटेरियल है। क्रूड ऑयल से सबसे पहले पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, और उसके बाद में जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बचता है उससे प्लास्टिक को बनाया जाता है। और आज के टाइम में प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया जा रहा है, यानी जहां से प्लास्टिक बनी थी उस चीज को वापस उसी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, तो यह कोई बहुत ज्यादा नया कंसेप्ट नहीं है। प्लास्टिक को बनाने में जो मेन कंपोनेंट है वह है हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा जिस टाइप की प्लास्टिक होती है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल भी ऐड किया जाता है, लेकिन मेनली यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन होती है। जितने भी टाइप के प्लास्टिक हो, जैसे लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उन सबको सबसे पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, वह भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट होगा तो यह प्लास्टिक लिक्विड में नहीं बदल पाएगा, यह सिर्फ CO2 और वाटर वेपर में बदल जाएगा, जिसका कोई भी यूज नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्लास्टिक को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, और यहाँ पर हीटिंग के लिए कोई रिएक्टर भी यूज कर सकते हैं, और हमारा प्रेशर कुकर होता है उसको भी रिएक्टर की तरह काम में ले सकते हैं कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट में। जब प्लास्टिक बिना ऑक्सीजन के हीट होगी तो इससे वाटर वेपर निकलेंगे, और यह जो हीटिंग की प्रोसेस है इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। असल में पायरोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लास्टिक में हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसको ब्रेक किया जाता है, और जब यह चेन ब्रेक होगी तभी प्लास्टिक वाटर वेपर में बदल पाएगी। जो रिएक्टर होता है जिसमें इस प्लास्टिक को हीट किया जाता है, उसमें इस केमिकल प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए इन वाटर वेपर को कैटलिस्ट से पास करवाया जाता है, जहां पर जो भी केमिकल प्रोसेस है वह और ज्यादा फास्ट हो जाती है। जब यह वेपर कैटालिटिकली ब्रेक होने के बाद में बाहर निकलते हैं तो यह ठंडा होने के बाद में बाहर लिक्विड निकलता है, और यह जो लिक्विड होता है इसमें लगभग डीजल का कंटेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस से 100% प्योर डीजल मिलता है, जो डीजल की प्रॉपर्टीज होती है उसमें से लगभग 65% प्रॉपर्टीज इस लिक्विड की डीजल से मैच होती है, और बाकी बचे 35% में कुछ हिस्सा पेट्रोल भी होता है, कुछ गैसेस भी होती है, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है। अब इस प्लास्टिक को पेट्रोल में बदलने के लिए सेम टू सेम यही प्रोसेस है, लेकिन पेट्रोल के लिए इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना होगा। अब इस प्रोसेस में हमें जो भी बाहर लिक्विड मिलता है वह 100% प्योर नहीं होता है, उसको 100% पेट्रोल और डीजल में बदलने के लिए हमें कुछ और आगे प्रोसेस करनी पड़ती है, लेकिन जनरली जो भी यहाँ पर लिक्विड मिलता है उसको डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर प्लास्टिक को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का एवरेज कुछ इस टाइप का है, 10 kg प्लास्टिक से लगभग 7 से 7.5 kg तक लिक्विड कलेक्ट किया जा सकता है, यानी 1 टन प्लास्टिक से 750 लीटर लिक्विड कलेक्ट किया जा सकता है, और यह जो फ्यूल है इसको मार्केट में 40 से 45 पर लीटर की कॉस्ट में बेचा जा सकता है, और जब इसको और प्योर पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में बदला जाएगा तो इसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी ऐसी गैस बाहर नहीं निकलती है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। और यह जो आपने ऊपर प्रोसेस देखी है यह वैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो लोग पर्सनली प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल रहे हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप दिखा रहे हैं।
अब यहाँ पर एक बात तो फिक्स है कि इस प्लास्टिक के अंदर एनर्जी तो है। अब इस एनर्जी से हम ऊपर वाली प्रोसेस से पेट्रोल डीजल भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। जब इसी प्लास्टिक को 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली जलाया जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड है वह जब ब्रेक डाउन होंगे तो यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक गैसेज नहीं निकलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी टॉक्सिक गैसेज यहाँ पर नहीं निकलेगी, क्योंकि प्लास्टिक में 99% हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन 1% होता है उसमें प्लास्टिक को कोई भी शेप देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया जाता है, और उस एक्स्ट्रा मटेरियल से जब यह प्लास्टिक जलेगी तो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक गैसेस भी निकल सकती है। इसलिए जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है और वहां पर पानी को गर्म करने के लिए प्लास्टिक को यूज में लिया जा रहा है, तो जब चिमनी से प्लास्टिक की जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी तो उनको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले फ्लू गैस ट्रीटमेंट से पास करवाया जाता है, जिससे जो भी टॉक्सिक गैसेस है उनको रोक लिया जाएगा और एनवायरनमेंट में सिर्फ वाटर वेपर और CO2 को छोड़ा जाएगा। और कुछ कंट्री ऐसी भी है जो प्लास्टिक वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी भी बना रही है और पैसे भी कमा रहे हैं। जब प्लास्टिक खुले में जलता है तो इससे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती है जो एयर पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है। इन गैसेस के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जब इसको किसी खास टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है तो इससे हम फ्यूल भी ले सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि हम प्लास्टिक को किस कंडीशन में जला रहे हैं। प्लास्टिक के जलने पर हमें फ्यूल भी मिल सकता है तो हमें टॉक्सिक गैसेस भी मिल सकती है। अभी मैंने जो आपको यहाँ पर ऊपर प्रोसेस बताई है, यह प्रोसेस जो रिसाइकलिंग वाली प्लास्टिक होती है, जो 4 से 5 बार रिसाइकल हो चुकी है, उस प्लास्टिक को भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके प्लास्टिक का ट्रीटमेंट तो किया जा सकता है। क्योंकि होता यह है कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है और 4 से 5 बार रिसाइकलिंग होने के बाद में प्लास्टिक हार्ड हो जाती है, तो वह किसी नॉर्मल शेप में नहीं बदल पाती, तो उस प्लास्टिक को भी यहाँ पर लिक्विड में बदला जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पानी में माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक जब कोई भी पॉलीथीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उसको बोलते हैं, लेकिन यह कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं होता है। देखने में ऐसा लगता है कि यह प्लास्टिक खत्म हो गया है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर, लेकिन बाद में यह पानी के साथ में हमारे शरीर में खाने में जा सकता है, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमारे इंडिया में भी अब कुछ इस टाइप के प्लांट बन रहे हैं जहां पर प्लास्टिक को पेट्रोल में बदला जा रहा है। तो यार, मेरे हिसाब से प्लास्टिक को बंद करना शायद पॉसिबल नहीं है, और यदि बंद करना हो तो गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी इसको तुरंत बंद कर सकती है। लेकिन हाँ, इस प्लास्टिक का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि यह एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और जो भी ट्रीटमेंट है वह इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई भी उस पॉलिसी को तोड़ ना पाए, तभी जाकर एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से बचाया जा सकता है। अदरवाइज हमारे घर में यदि हम कोई भी इक्विपमेंट लेकर आते हैं, जैसे गर्मियों में कूलर लेके आते हैं, और यदि लोहे का कूलर 5,000 रुपए में आ रहा है और प्लास्टिक का कूलर वही सेम टू सेम 3,000 रुपए में आ रहा है, तो यहाँ पर सभी अपने पैसे बचाने का देखेंगे, किसी को एनवायरनमेंट की नहीं पड़ी है। तो आपका क्या ओपिनियन है, इस प्लास्टिक को कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए या इस प्लास्टिक का एक प्रॉपर विथ रूल्स एंड रेगुलेशन कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए? और इस वीडियो से यदि आपको कुछ आज नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप विजिट कर सकते हो जहाँ पर और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।